बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस 2022 एंड 2023 के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। आज की ये वीडियो में मैं आप लोगों को फुल्ली डिटेल शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, साथ में सीट कैपेसिटी कितना रहने वाला है, कौन सी कोर्स पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, सीट कैपेसिटी कितना है, सब कुछ। तो वीडियो को बने रहो अंत तक। बट उससे पहले भाई चैनल पर नए हो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर ज़रूर से सेट कर लेना, क्योंकि इस चैनल के जरिए रेगुलरली मेडिकल कोर्स से जुड़े अपडेट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। सो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आप लोगों को टोटली नंबर ऑफ यानी कि कोर्सेज 11 कोर्सेज दिया गया है। पहला जो यानी कि कोर्स है वो है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, कार्डियो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड इन ब्लड बैंकिंग। इसी तरीके से आप लोग बाकी अभी चेकआउट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है और यानी कि खत्म होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट है 30/12/2022 और क्लोजिंग डेट है 21/2023। यानी कि आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है 2023 के जनवरी महीने की 20 तारीख। सो उससे पहले आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना है अगर आप लोग एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी दिया गया है। मैं सिंपली आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स का यानी कि थोड़ा बहुत डिटेल दे रहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 30/12/2022 से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना 21/2022, यानी कि 20 तारीख को ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, उससे पहले आप लोगों को करना होगा। मेरिट लिस्ट आप लोगों का 31/2022 यानी कि 30 तारीख को आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल देता हूँ ये जो कोर्सेज है बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स, यहाँ पे आप लोगों को कुछ कोर्स 3.5 इयर्स का आप लोगों का यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल रहेगा और 6 महीने का इंटर्नशिप रहेगा, और कुछ कोर्सेज आप लोगों का 3 साल रहेगा जिसमें आप लोगों का 1 साल का इंटर्नशिप रहेगा। सो डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स कर रहे हो, बट हर एक कोर्स यहाँ पे आप लोगों को 4 साल रहेगा और ऑल इंडिया की मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सो आप लोग अगर एलिजिबल हो डेफिनेटली अप्लाई करना। बाकी आगे जाकर आप लोगों को मैं क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताऊँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना कोर्सेज का कौन से कोर्स के लिए कितना सीट वगैरह दिया गया है। सो आप लोग खुद भी चेकआउट कर लेना। यहाँ पे मैं 2 साल का बता देता हूँ। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के लिए 37 सीट है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट है, वगैरह आप लोग सब कुछ चेकआउट कर लेना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 181 सीट दिया गया है। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी सीट है, कारण मेडिकल में इतना ज़्यादा सीट भी नहीं होता है। सो ठीक ठाक है, बाकी आप लोग खुद ही चेकआउट कर लेना। यहाँ पे मैं सिंपली आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने नीट यूजी 2022 में दिया है तब आप लोग एलिजिबल हो, अगर आप लोगों ने नीट यूजी नहीं दिया है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, तब आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देन आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों ने नीट में 2022 में पार्टिसिपेट किया है देन आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट आप लोगों का मिनिमम मिन एज 17 ईयर होना चाहिए। सो ये थी हमारा आज का ये डिटेल। बाकी आज जब मेरिट लिस्ट पर पब्लिश हो जाएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं और नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।